like not even theek. I will give it 2 stars or 2.5 I would say, because if Johnny Lever saab ne and Rajpal Yadav ne sambhal li film ko, and I would rather say jo writer the film ke unhone sambhal li film ko, warna to ye basically lagta na ki birthday party ho rahi hai Mithun da ki. Jai Hind, aap sabhi ko swagat hai aapka hamare ek aur dhamakedar video mein. To bhai log, hame kaafi long time se jis baat ka intezar tha wo aaj finally pura ho chuka hai. Superstar Mithun da ke छोटे बेटे नामिशे चक्रवर्ती व एक्टर्स अमरीन फ्रेशी की फाइनली डेब्यू फिल्म सिनेमा ग्रो में रिलीज हो चुकी है. वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म बैड बॉय बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन से ही टिकट विंडो पे ब्लॉकबस्टर होते हुए दिखाई दे रही है. जी हाँ, यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिल्म बैड बॉय का जादू पब्लिक के ऊपर इस कदर छाया है कि फिल्म बैड बॉय को देखने के बाद पब्लिक के धड़ाधड़ से रिएक्शन आना स्टार्ट हो चुके हैं. खासकर पब्लिक का कहना है कि नामिशे चक्रवर्ती व अमरीन पुरेशी के बारे में जिस तरह से इन दोनों स्टार ने फिल्म में अपने आप को प्रेजेंट किया है, वह डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने काफी यूनिक आइडिया से फिल्म को बनाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है. ऐसे दोस्तों, मैं आपको फिल्म बैड बॉय के बारे में मेरा ओपिनियन भी बता देता हूँ. फाइनली आज मैं फिल्म बैड बॉय देखने के बाद मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूंगा कि काफी लॉन्ग टाइम के बाद सिनेमा ग्रो व बोली उड में कोई अच्छी फिल्म आई है जो कि हमें सिनेमा हॉल के अंदर काफी शानदार रोमांटिक स्टोरी व हल्की फुल्की कॉमेडी का सुखद अनुभव का फील करवाती है. जहां तक बात करें फिल्म की अन्य स्टार कास्ट के बारे में, जॉनी लीवर व सुपरस्टार मिथुन दा, इसके अलावा दर्शन जारीवाला व शाश्वत चटर्जी, इन सभी ने फिल्म बैड बॉय के अंदर अपने हिसाब से ठीक ठाक काम किया है. साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म बैड बॉय के सिनेमा ग्रो में आने से पहले फिल्म का जो बज व हाइप क्रिएट हो रहा था, अब उसका असर टिकट विंडो पे भी देखने को मिल रहा है. तो दोस्तों करते हैं वीडियो को यही समाप्त. अगर आप लोग ने भी फिल्म बैड बॉय को देख लिया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें कि आपको फिल्म कैसी लगी. साथ ही आपको एक बार फिर से जय हिंद, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में.